हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं वाले मुद्दे से कादरी और मेरा यूट्यूब चैनल है कादरी कोचिंग क्लासेस अली मुद्दीन से कादरी, जिस चैनल के माध्यम से हम अपनी कोचिंग चला रहे हैं वह चैनल है कादरी कोचिंग क्लासेस, और जिस चैनल के माध्यम से मैं अपना यूट्यूब चला रहा हूं वह चैनल है अली मुद्दीन से कादरी। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आज मैं आपके सामने ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर के आया हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग हमारे इस टॉपिक को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे, पढ़ेंगे और इसका नोट बनाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है। हर जगह पर लिखा रहता है सेव द वाटर, जल को सुरक्षित करिए। क्यों? ऐसा भी समय आ सकता है कि जब जल पृथ्वी से पूरी तरह से विहीन हो जाए, अर्थात पृथ्वी पर जल की मात्रा ही ना रहे, तो उस समय हम कहा क्या करेंगे? तो जल ही जीवन है, तो जल ही जीवन सिर्फ हमारे लिए नहीं। अगर मैं कह दूं कि इस पर आप शॉर्ट नोट लिखिए, तो मेरा चैलेंज है कि आप एक पेज से ज्यादा नहीं लिख सकते हो। जो ब्रिलियंट लड़का होगा वो सिर्फ एक पेज लिख सकता है, नहीं तो आधे पेज में ही समाप्त कर दोगे। क्या लिखोगे आप? लेकिन मैं जो समझा रहा हूं आज आप उसको समझिए। या इंटरमीडिएट में जो है 1993 में जब मैं पढ़ रहा था तो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया था जल ही जीवन है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, तब फिर सोचना पड़ेगा कि जल ही जीवन है, लिखा रहता सेव द वाटर, जल ही जीवन है, और कहां कहां कर लिए? हम पीने के लिए जल का उपयोग करते हैं, भोजन में जल का उपयोग करते हैं, तो कहां कहां जल का उपयोग करते हैं? तो बहुत ज्यादा कोशिश की गई तो कुछ पेज लिखे गए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आज आपको पूरी तरह से जानकारी होगी कि जल ही जीवन है कैसे, और ये वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, यह एक ऐसी क्रिया होती है जो पौधे अपनी सतह से जल की अतिरिक्त मात्रा को बाहर निकाल देते हैं। किस सतह से? पत्तियों की ऊपरी सतह से, पत्तियों की ऊपरी सतह से, वहां पर स्टोर, जहां पत्तियों की ऊपरी सतह से। ध्यान रहे कि जब पत्तियां फैली हुई, कुछ पौधे ऐसे भी आप लोगों ने केला का पत्ता पौधा देखा होगा जिसकी पत्तियां काफी बड़ी हैं, चौड़ी चौड़ी हैं, जिसकी पत्ती माय डियर फ्रेंड्स जितनी ज्यादा चौड़ी होगी, लीफलेट जितना ही ज्यादा ब्रॉड होगा, उतना ही ज्यादा उसका ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाएगा। आज मैं आपको इस कथन के विषय में थोड़ा सा बता दूं, मैंने तो शुरू ही कर दिया है कि जल ही जीवन है। माय डियर फ्रेंड्स, हम अपने खाने के लिए, पानी पीने के लिए, भोज पदार्थ बनाने के लिए जो कुछ भी करते हैं, उसमें जल की एक नितांत आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमारे लिए जल के हर बिंदुओं को जानना, हर पहलुओं पर जल की नितांत आवश्यकता पड़ती थी, उसी प्रकार से पेड़ पौधों के लिए भी जल की नितांत आवश्यकता पड़ती है। जहां पर जल नहीं है वहां के पौधों को हम जीरो फिटिक प्लांट बोल देते हैं। कैसे प्लांट है? जो मरुस्थलीय हैं, ऐसे प्लांट हैं जो कि जीरोफाइट हैं, और ऐसे प्लांट्स में आप देखेंगे कि कहीं पर लीफ जो स्पिक्यूल में कन्वर्ट हो गई, पत्तियां कांटों में बदल गई, कहीं कहीं की पत्तियां आप देख रहे हैं बहुत ही शॉर्ट है, छोटी छोटी पत्तियां हैं। जैसे एकेसिया एंजिलोटिका में देखिए, बबूल में देखिए, एकेसिया एंजिलोटिका कैक्टस में देखिए, पत्ती है ही नहीं है, पत्तियां जो है स्पिक्यूल में कन्वर्ट हो गई, कांटों में बदल गई। गुलाब का देख लीजिए, उसमें भी कांटे लगे हुए हैं, लीफ की संख्या कम है। रीजन क्या है? सिर्फ जल की अतिरिक्त मात्रा को बाहर न निकालना, जो जल उनके अंदर शेष बचा हुआ है उसी जल की सहायता से अपने जीवन को पूरी तरह से संचालित कर लेना। तो ट्रांसपिरेशन एक ऐसी क्रिया होती है
जिससे पौधे या जीव जंतु अपने शरीर के अंदर से, बॉडी के अंदर से अतिरिक्त जल की मात्रा को बाहर निकाल देते हैं। अब बाहर निकालने का प्रक्रम कैसे होता है, जियोलॉजी के केस में मैंने आपको उत्सर्जन पढ़ाया है, एक्सक्रीजन पढ़ाया है, हमारे YouTube चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है और वो मैंने आपको पढ़ाया, वहां पर मैंने एक्सेस टॉपिक पर बता ही दिया है कि जल की अतिरिक्त मात्रा को कैसे हम बाहर निकाल देते हैं, किन किन क्रियाओं के द्वारा जल की अतिरिक्त मात्रा को बाहर निकालते हैं। पसीने के रूप में निकालते हैं, यूरिन के रूप में निकालते हैं, सॉलिड वेस्ट के रूप में निकालते हैं, विभिन्न प्रकार से हम जल की अतिरिक्त मात्रा को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, प्लांट्स कैसे बाहर निकालेंगे? प्लांट्स में लीफ है, पत्तियां हैं, तो वे पौधे उतना ही जल ज्यादा अवशोषित करेंगे। मान लीजिए पौधा पानी में डूबा हुआ है तो आप कहेंगे हमारा पौधा खूब पानी ले रहा। नहीं ना माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रहे, कांटे वाले पौधे तो पानी में कुछ समय तक रह सकते, कुछ समय तक, इसके बाद जैसे आपके सर को डुबो दिया जाए पानी में तो आप सांस कितनी देर तक ले सकते हो, मर जाओगे। ऐसे पौधे को पानी की आवश्यकता तो है, लेकिन इतना नहीं कि पौधा पानी में डूबा ही रहे, उसकी जड़ हमेशा पानी में डूबी ही रहे, सड़ जाएंगी। ऐसे पौधों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा, विकास नहीं हो पाएगा। तो विकास की क्रिया निरंतर होती रहे, विकास निरंतर चलता रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि पौधों में जल जो है अतिरिक्त मात्रा में दिया जाए। तो पौधे को हम जल देते हैं, नहीं तो पौधे स्वतः वर्षा ऋतु के जल को, बरसात से जो पानी आ रहा होता है उस पानी को अतिरिक्त मात्रा में स्टोर कर लेते हैं और उसी जल से अपनी पूरी लाइफ को सर्वाइव करते रहते हैं। क्योंकि बरसात जो होती है हर साल होती है, प्रति ईयर होती है, तो अपने बॉडी अपने अंदर जो है वो अतिरिक्त जल की मात्रा को स्टोर किए हुए होते हैं और जब तक उनका वर्क होता है उतना वो देते रहते हैं। लेकिन हीट ज्यादा हो गई, गर्मी ज्यादा पड़ने लगी, ऐसी कंडीशन में वो अपनी लीफ को बैलेंस में बनाए रखने के लिए, संतुलन में बनाए रखने के लिए ऐसी मात्रा में करते क्या है कि अतिरिक्त जल की मात्रा को बाहर निकाल देते हैं। जब पौधे अतिरिक्त जल की मात्रा को बाहर निकाल देंगे, माय डियर फ्रेंड्स, पौधे जब जल की अतिरिक्त मात्रा को बाहर निकाल देंगे तो ऐसी दशा में हम करते क्या है कि वो पौधों को आसानी से जो है जीवित रखने के लिए वहां पर उनको थोड़ा सा पानी देते हैं। पानी देने का मतलब यह हो गया कि हम उनको जो है जो पानी दे रहे हैं इससे वो विकास की क्रिया करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, या आपको जान लेने की आवश्यकता है, पौधे जितना जल अवशोषित करते हैं, पौधे जमीन से जितना जल अवशोषित करते हैं उसका 90% वाष्पित कर देते हैं, वेपराइज कर देते हैं, 10% ही सिर्फ यूज करते हैं। अगर वो सिर्फ 10% यूज कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो 10% यूज कर रहे हैं इसका मतलब यह होता है कि 90% उन्होंने अपना जो है डिस्चार्ज कर दिया। तो जो पौधे के वायवीय क्षेत्र में, पौधे का वाहक जो वायवीय क्षेत्र में, माने सूट, रूट तो जमीन के अंदर है, रूट जमीन के अंदर है, सूट जमीन के ऊपर है, सूट के टोटल पार्ट्स जो होते हैं ये आसानी पूर्वक जल की अतिरिक्त मात्रा को बाहर निकाल देते हैं। जब अतिरिक्त जल की मात्रा को बाहर निकालते हैं तो वहां स्टेम भी आया, ब्रांचेस भी आई, और जो है स्टेम भी आया, ब्रांचेस भी आई, और जो है लीफ भी आई। तो स्टेम, ब्रांचेस, लीफ, इससे वो जल की अतिरिक्त मात्रा को बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पौधों द्वारा जल की अतिरिक्त मात्रा को बाहर निकाल देने की प्रक्रिया को हमने क्या कहा, वाष्पोत्सर्जन कहा। क्लियर? वाष्पोत्सर्जन कहा, अर्थात जल को जलवाष्प की हानि होती है। अब मैं आपको बताने चल रहा हूं, आप यहां देख रहे हैं दो डायग्राम मैंने बनाया है, इन दोनों डायग्राम में आप देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, इन दोनों डायग्राम में आप देख रहे हो कि यहां पर दो प्रकार के स्टोमाटा बनाए गए, एक में बीच में क्लोज है, बहुत ही सकरा हुआ स्पेस है, और दूसरे में स्पेस ज्यादा है। यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स आप देखिएगा, ये स्पेस, ये दोनों के बीच का स्पेस से ज्यादा है, और यहाँ का माय डियर फ्रेंड्स देखिए स्पेस बहुत ही कम है। यहाँ पर स्पेस अगर बहुत ही कम है तो यह बंद हुआ है, और यहाँ पर स्पेस ज्यादा है तो खुला हुआ है, इसलिए इसको कहा गया क्लोज स्टोमाटा और इसको कहा गया ओपन स्टोमाटा। तो स्टोमाटा क्लोज भी होता है, स्टोमाटा ओपन भी होता है।
आइए सबसे पहले मैं आपको बताने चल रहा हूं पौधे किस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को करते हैं। वाष्पोत्सर्जन समझ में आ गया, पौधे या जीव जंतुओं द्वारा अतिरिक्त जल की मात्रा को वाष्प के रूप में बाहर निकाल देने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। क्लियर हो गया, यह तो वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा हो गई। अर्थात जल की हानि कर देते हैं, वेपराइज कर देते हैं, वाष्पित कर देते हैं, मतलब यह हुआ कि जल की हानि कर देते हैं। चूंकि अतिरिक्त जल की मात्रा को बाहर निकाल रहे हैं इसलिए वे जल की हानि कर देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जानना आवश्यक है कि पौधे क्यों जल की हानि करते हैं। इसलिए जल की हानि करते हैं, अगर वो जल की हानि नहीं करेंगे तो उनके अंदर जल की मात्रा अतिरिक्त हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाने से उनके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम की कैपिलरीज फैली हुई है उसमें जल ज्यादा मात्रा में स्टोर हो जाएगा और लीफ में पहुंच करके वो मात्राएं जो होती है वो बढ़ जाती हैं। ऐसी कंडीशन में वो धीरे 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 डेड ऑन डिकेड की कंडीशन में आ जाते हैं। आपने देखा होगा पौधे जब पानी में डूब जाते हैं तो पूरी तरह सड़ और गल जाते हैं। सड़ने और गलने की प्रक्रिया का मतलब यह हुआ माय डियर फ्रेंड्स कि वे जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं कर पाए, आपने पानी उनमें अतिरिक्त मात्रा में दे दिया। आइए पहला पॉइंट देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आइए पहला पॉइंट देखा जाए, पहला पॉइंट होता है पत्ती वाष्पोत्सर्जन, लीफ ट्रांसपायरेशन। लीफ ट्रांसपायरेशन पत्ती द्वारा पौधे किस प्रकार से उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। पत्ती द्वारा पौधे के उत्सर्जन की क्रिया को देखा जाए, जिसको कहा जाता है कि फोलर ट्रांसपायरेशन। इसमें लगभग 80-90% पत्तियों पर स्थित रंध्र होते हैं, पत्तियों पर स्थित स्टोमा रंध्र, इसको हिंदी में रंध्र बोला जाता है, स्टोमाटा बोला जाता है, रंध्र होते हैं। जिन्हीं रंध्रों की सहायता से ये आसानी पूर्वक अगर पानी इसमें भर गया तो ये बंद हो जाते हैं। पानी भर गया तो ये बीच के स्पेस क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और जब यह अतिरिक्त जल की मात्रा को बाहर निकाल देते हैं फिर ये ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। तो बंद होना खुलना ये लगातार इनकी क्रिया चलती रहती है। ध्यान रहे कि पत्तियों के निचली सतह पर ही स्टोमाटा की संख्या ज्यादा देखी जाती है, ऊपरी सतह पर बहुत ही कम मात्रा में कुछ ही पौधों मिलते हैं। रेयर केसेस में सेकंडिटा आइडेरिस हमारा कुछ ही केसेस में देखा गया। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन जो होता है जिसको कहा जाता है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन आइडिया फ्रेंड्स क्या होते हैं? क्यूटिकुलर आप लोग अच्छी तरह जानते हैं क्यूटिकल क्या है। क्यूटिकल ए टाइप ऑफ लेयर है, एक विशेष प्रकार की परत है क्यूटिकल, जो कि पौधे के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर ये क्यूटिकल स्वयं पौधों के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, पौधों के लिए स्वतः ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है तो ये प्रोटेक्शन सुरक्षा होता है। अगर पौधों के लिए सुरक्षा को प्रदान कर रही है तो सुरक्षा की दृष्टिकोण से पौधा सुरक्षित रहे इसकी दृष्टिकोण से अतिरिक्त जल की मात्रा को बाहर निकालते रहते हैं। तो यह त्वचीय वाष्पोत्सर्जन हुआ जिसको कहा गया जो है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन हुआ, यहां पर त्वचा के द्वारा जो है निकाला जाता है। और तीसरा ध्यान दीजिए, मैंने दो बताया, पहला मैंने बताया लीफ के द्वारा, दूसरा मैंने बताया क्यूटिकल के द्वारा। तीसरा देखिएगा वातरंध्री जिसको कहा जाता है लेंटिकुलर, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन वातरंध्री। पहले तो आपने देखा कि पत्ती से निकाल देते हैं, पत्तियां चौड़ी है उसके सहायता से निकाल देते हैं। दूसरा मैंने बताया कि क्यूटिकल के द्वारा निकाल देते, क्यूटिकुलर होते हैं। तीसरा मैंने बता रहा है कि वातरंध्री जहां पर लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता है, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन मोस्टली काष्ठीय तनों में, ऐसे पौधे जिनके तने काष्ठीय होते हैं, उडी होते हैं, ऐसे तनों में कुछ ऐसे वातरंध्र पाए जाते हैं जिनके द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। और जो पत्ती के जो पौधों के अंदर अतिरिक्त जल की मात्रा होती है उस अतिरिक्त जल की मात्रा को वे बाहर निकालते रहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो है वातरंध्री वाष्पोत्सर्जन और क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन क्यूटिकल के द्वारा वाष्पोत्सर्जन, पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन तीन क्रियाओं से हो रहा है, यही तीन ही मेथड होते हैं वाष्पोत्सर्जन के। और तीनों मेथड में आपने देख लिया, इसको नोट करते चलिएगा, तीनों मेथड में आपने देख लिया कि वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। पत्ती के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, त्वचा के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, क्यूटिकल के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, वातरंध्री के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन होता है माय डियर फ्रेंड, लेकिन वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है?
ट्रांसपायरेशन किसके द्वारा होता है? ट्रांसपायरेशन अगर होता है तो वो स्टोमाटा के द्वारा होता है। पत्तियों में और सारे स्पेस होते हैं, ढेर सारे स्पेस होते हैं, उन स्पेस में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, अतिरिक्त जल की मात्रा जो उसमें फिलअप हुई है, वाष्पित हो जाती है। जब धूप उसके ऊपर ज्यादा पड़ती है, पौधे अपनी पत्तियों को बचाने के लिए उनकी एक्सटर्नल लेयर आसानी से कोमल बनी रहे, सॉफ्ट बनी रहे, इसको बचाने के लिए वो पसीना निकालते रहते हैं। अभी आप गर्मी में काम करिए, बाहर काम करिए, फावड़ा चलाइए, कोई वर्क करिए, फिजिकल वर्क करिए, आप फिजिकल वर्क करिए, फिजिकल वर्क करते हैं तो आपके बॉडी से स्वेट्स निकलते हैं, पसीने निकलते हैं, नहीं निकलते हैं, आपकी बॉडी से पसीना निकलेगा। पसीना क्यों निकलता है? आपकी बॉडी जब फिजिकल आप वर्क करेंगे तो बॉडी ड्राई होती जाएगी, जैसे जैसे बॉडी ड्राई होती जाएगी इसको वेट करने के लिए, जो है गीला करने के लिए अतिरिक्त जल की मात्रा जो होती है बॉडी से पसीने के रूप में बाहर आती जाती है। और वो किस लिए? आप फिजिकल वर्क कर रहे हो, फिजिकल वर्क आप कर रहे हो, ऐसी दशा में फिजिकल वर्क करते समय जो बॉडी के अंदर से स्वेट्स निकलते हैं वो उत्सर्जी पदार्थ हैं, अर्थात अतिरिक्त जल की मात्रा है, वे उत्सर्जन के रूप में आपके शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। तो यही तो ह्यूमन बींग्स में हो गया, ऐसे ही पौधे भी अतिरिक्त रूप जो जल की मात्रा होती है उनको भी वाष्प जो है क्लाइमेट में वाष्पोत्सर्जित करते रहते हैं। वाष्प के रूप में उत्सर्जित करना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्लियर? वाष्प के रूप में उत्सर्जित करना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस प्रकार से आपने देखा कि वाष्पोत्सर्जन की एक क्रिया होती है। माय डियर फ्रेंड्स, आइए आगे चलते हैं। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, मैं आपको आप बताने चल रहा हूं कि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता क्या है। आइए देखते हैं। यहां पर मैंने दो फिगर बनाए हैं, इन दो फिगर में आप लोग पहला फिगर इनको मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं, ये फिगर नंबर ए है, इसको मैंने ए कहा, और ये फिगर नंबर बी है, इसको मैंने बी कहा। एक को मैंने ए कहा, दूसरे को मैंने बी कहा। ए में जब अतिरिक्त जल यहां पर गॉड सेल होती है, रक्षक कोशिकाएं जिनको कहा गया, यहां पर देख सकते हैं गॉड सेल लिखा गया है, और रक्षक कोशिकाएं न्यूक्लियाई माने ढेर सारे न्यूक्लियस। तो यहां पर दो न्यूक्लियाई, क्योंकि एक होता तो न्यूक्लियस प्लूरल में हो गया, दो हो गए, दोनों एक ही स्टोमाटा में दो न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस अब प्लूरल में हो गया तो बोला गया न्यूक्लियाई। क्या बोला गया इनको? न्यूक्लियाई बोला गया। यहां पर ये दो न्यूक्लियाई पाए गए, यहां पर इसके बीच बीच में आप देख रहे हो माय फ्रेंड्स, यहां पर बीच बीच में हर कलर में जो देख रहे हैं आप, ये सब क्लोरोप्लास्ट है। ये क्लोरोप्लास्ट है, जब प्रकाश की किरण इनके ऊपर पड़ती है, लाइट रेज इनके ऊपर आती है, यहाँ पर सनलाइट दे रहे हैं, आपकी समझ में आएगा, सनलाइट सूर्य का प्रकाश जब इनके ऊपर आता है तो यहाँ क्लाइमेट से कार्बन डाइऑक्साइड और जल, अतिरिक्त जल की मात्रा, जल कहां से लेते हैं? जल जो है ये नीचे लेते हैं, कहां से? सॉयल से, मिट्टी से। जल को ये जड़ से लेते हैं, जड़ों के द्वारा, रूट से, रूट के द्वारा ये सॉयल से जल को ले लेते हैं, जब लेकर पहुंचाते हैं पत्तियों तक, पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लाइमेट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल इनको मिल गया सॉयल से, तो यहां पर एक क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया करके ये ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं। क्या बना देते हैं? C6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का बनना ही पौधों में भोजन बनने की क्रिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड, मैंने ग्लाइकोलिसिस पढ़ाया, मैंने क्रब्स साइकिल पढ़ाया, मेरे दोनों ग्लाइकोलिसिस और क्रब्स साइकिल दो फेजेस में मैंने अपने जो है अपलोड किया है, दो फेजेस में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इसको अपलोड किया है माय डियर फ्रेंड्स। तो इन दो चैनलों में जो मैंने अपलोड किया है उसमें मैंने ये प्रूफ किया है कि जो ग्लाइकोलिसिस और क्रब्स साइकिल होती है, इससे जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, ये एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है यह किस तरह से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद उससे एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। तो ग्लूकोज जब यह पहली बार डिकम्पोज होगा इन द केस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस के केस में आप देखेंगे कि ATP एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रकार से जब ग्लाइकोलिसिस की क्रिया पूरी हो जाती है तब क्रब्स साइकिल की क्रिया चलती है, और क्रब्स साइकिल चलता है 2 मोल ऑफ पाइरूविक एसिड से, जिसमें सिंगल मोल ऑफ पाइरूविक एसिड वो अपना एक साइकिल एक चक्र चलाता है, दूसरा जो है पाइरूविक एसिड अपना दूसरा चक्र चलाता है। इस प्रकार से अगर पाइरूविक एसिड का एक चक्र चलता है उससे 15 अणु ATP बाहर निकलते हैं, जब दूसरा चक्र चलता है उसमें 15 अलग ATP निकलते हैं। इस प्रकार से 15 ATP एक से, 15 ATP एक से, 30 ATP मॉलिक्यूल 2 मोल ऑफ पाइरूविक एसिड से मिल जाते हैं।
हैं। 30 एटीपी में एनर्जी जो होती है, अगर 2 मोल आप पाइरूविक एसिड से मिल गए, 8 एटीपी एनर्जी आपको ग्लाइकोलिसिस से मिल गई, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों को मिला दिया गया, तो पूरी तरह से वह जो है वह श्वसन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। जब श्वसन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है, 1 मोल सिंगल मोल ग्लूकोज को 1 ग्राम ग्लूकोज को पूरी तरह से कंब्यूज करने पर, जारण करने पर, आपने देखा कि 8+30 38 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से पौधे अपने अंदर ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं, इस तरह से पौधे अपने अंदर ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं। अगर पौधे भी ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं, हम नहीं ऊर्जा का निर्माण कर सकते? हमारे भी बॉडी में माइटोकांड्रिया है, सेल के अंदर भी माइटोकांड्रिया है, वो भी माइटोकांड्रिया बॉडी से एनर्जी को जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित करती रहती है, बनाती रहती है, सब के सब एनर्जी के रूप में स्टोर होते रहते हैं, पैक्ड होते रहते हैं, मंडलों में एनर्जी को पैक्ड होते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे बॉडी में जैसे पैक्ड हो रहे हैं, ठीक ऐसे ही जो एनर्जी का एक्सेस अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन होता है, पौधे भी अपने अंदर वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को पैक कर जाते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा को पैक करते जाते हैं। यही ऊर्जा उनको विपरीत समय में कार्य में हेल्प करती है, सहायता करती है। माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर हो गया? यही एनर्जी जो होती है, यही एनर्जी उनको विपरीत परिस्थितियों में, पौधे की विपरीत परिस्थितियों में यही ऊर्जा उनके लिए उपयोग में लाई जाती है। इसी ऊर्जा के द्वारा पौधे आसानी पूर्वक अपने जीवन अपन को पूरा करते हैं, आसानी पूर्वक सर्वाइव कर लेते हैं। एल्गी वगैरह में देखिए, पानी काफी समय तक नहीं मिलता है, काइनेटिक स्टेट बना लिया, जूस्पोर, एप्लाइनोस्पोर, प्लाइनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एकाइनिड, बैसिडियोस्पोर, टेलिटोस्पोर, यूरोस्पोर, तमाम प्रकार के बीजाणु बनाते हैं। तो पमेला स्टेज तमाम प्रकार के बीजाणु बनाते हैं। ये बीजाणु क्या करते हैं? ये बीजाणु नए पौधे को जन्म देते हैं। तो बीजाणु कब बनते हैं? कहीं पर फेवरेबल कंडीशन होती है माय डियर फ्रेंड्स, तो कहीं पर अनफेवरेबल कंडीशन होती है। फेवरेबल कंडीशन में, अनुकूलित वातावरण में माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे चीजें उनके प्रति अनुकूलित होती हैं, उनको आसानी से मिल जाती हैं। और अगर प्रतिकूलित वातावरण देखा जाए, इन चीजें आसानी पूर्वक उनको नहीं मिलती हैं। तो अनुकूलित वातावरण में आप देख रहे हैं कि ये जो है पौधे अपना विकास करते हैं, लेकिन जैसे ही प्रतिकूल वातावरण आया, वैसे ही पौधे जो है अपने अंदर जो है जो अतिरिक्त जल की मात्रा है उसका उपयोग करते हैं। और आपने रिएक्शन में देखा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल लिया, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल लिया, और सनलाइट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर दिया। जैसे ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक तुरंत ही ग्लूकोज के फॉर्मेशन के बाद ये रिएक्शन अपना स्टार्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा, ETS के द्वारा, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र। इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र से ऊर्जा का जो है ये जो ग्लूकोज है इसको ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं विद द हेल्प ऑफ NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और एट लास्ट प्रोडक्ट दे देते हैं NADPH, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट हाइड्रोजिनेज। तो यहां पर NAD से NADPH के फॉर्मेशन के लिए 3 ATP एनर्जी फॉर्म कर दिए, और कहीं पर ये FAD के रूप में एनर्जी का फॉर्मेशन करता है फेलरिक एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और अपना लास्ट प्रोडक्ट बना देता है फेलरिक एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट हाइड्रोजिनेज। तो वहां पर ये 2 ATP का ऊर्जा का निर्माण कर दिए। तो यहां पर देखिए NAD से 3 ATP, FAD से 2 ATP ऊर्जा का निर्माण किए। अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो गुआनोडीन डाइफॉस्फेट फास्फेट के साथ मिलकर गुआनोडीन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण कर देता है। जब गुआनोडीन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण कर देता है माय डियर फ्रेंड्स, तो 1 ATP ऊर्जा वहां पर बन जाती है। तो 1 ATP ऊर्जा, ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 1 एडेनिन का मालिक्यूल 3 फास्फेट के मालिक्यूलों के साथ जब वो कॉम्बिनाइज करता है, जब वो एक में संयुग्मित होता है, तो बनाता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 1 एडेनोसिन 1 एडेनिन 3 फास्फेट के साथ मिलकर के एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है। क्लियर हो गया? फास्फेट इनको जो मिलता है वो फास्फोरिक एसिड से मिलता है, तो इस तरह से आपने देखा कि फास्फेट इनको फास्फोरिक एसिड से मिल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। अब यहां पर आइए देखते हैं कि जब ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर है,
और ये किडनी के सेब का है, इसका सेब देखिए, ये किडनी के सेब का है। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आप देख रहे हैं कि ये क्लोज बंद है। बंद क्यों है? ये अतिरिक्त जल की मात्रा को रसारोहण की क्रिया के द्वारा इसके अंदर अतिरिक्त जल की मात्रा आ गई, आने के बाद ये स्लथ हो गए। स्लथ होना माने टर्गिड हो जाना, टर्गिड हो जाना माने फूल करके मोटा हो जाना, टर्गिड होना माने फूल करके मोटा हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? उसको टर्गिड बोलते हैं। अब एक टर्गिड हो गए, टर्गिड हो गए तो बीच का स्पेस क्या होगा? क्लोज कर जाएगा। जब एक स्टोमाटा क्लोज हो गए, जाहिर सी बात है कि ये पूरी तरह से पानी से भर गए। अब पानी से भर गए हैं, जब तक वाटर इनके अंदर से बाहर नहीं निकलेगा, फिर एक से समाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। जब ये भोजन का निर्माण कर देते हैं, पानी का यूज कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट जब यूज करते हैं, फूड फॉर्मेशन कर देते हैं, ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं। तो ग्लूकोज के निर्माण कर देने की प्रक्रिया में आपने देखा, जब यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण कर दिया, ग्लूकोज के निर्माण कर देने से अर्थात भोज्य पदार्थ के निर्माण कर देने से अब ये अतिरिक्त जल की मात्रा इनके अंदर कम हो गई। और यहाँ पर आइए, इसे आ जाइए फिगर नंबर बी पर आइए, देखते हैं सारी चीजें वही है, सिर्फ इनके स्पेस गैप जो है बीच का आपस में बढ़ गया। गैप बढ़ने का मतलब ये हो गया कि इनकी जो वाल्व है, ये जो आपने किडनी शेप में देखा है, ये वाल्व इनकी जो थिकेंड है, आपने जो किडनी शेप में ये वाल्व आप देख रहे हो, ये दोनों वाल्व जो आप देख रहे हो, जो स्टोमाटा आप देख रहे हो, ये किडनी शेप का ये स्टोमाटा आप देखिए कि ये सिकुड़ गया, अंदर की तरफ फैल गया, अंदर की तरफ आ गया और बीच के स्पेस बढ़ गए। बीच के स्पेसों का बढ़ना, बीच के स्पेसों का बढ़ना यह प्रदर्शित कर देता है कि इसने अपने अतिरिक्त जल की मात्रा को बाहर निकाल दिया। जब ये अतिरिक्त जल की मात्रा को बाहर निकाल देते हैं, इसको कहा जाता है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं इसको? वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो यह रंध्र की संरचना रही, स्ट्रक्चर रहा, जिसके अंदर आपने देखा गॉड सेल, जिसके बाहर आपने देखा यहाँ पर गॉड सेल लगी, रक्षक कोशिकाएं लगी हुई है और इसके बाहर जो है ढेर सारी सेल्स लगी हुई है। ये किडनी के सेब का है, इसके अंदर न्यूक्लियस और नीचे क्लोरोप्लास्ट भरे हुए हैं, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोप्लास्ट ये सब मिल करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं, ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं। नहीं तो रिएक्शन करा के देख लीजिए, CCCO2+6H2=CCCH2O6, ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा। और जब ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा, जिसका मतलब ये हो गया पौधों ने भोजन का निर्माण कर लिया। जब पौधों ने भोजन का निर्माण कर लिया तो आगे आग चलने दीजिए, ग्लाइकोलाइसिस चले चाहे क्रोसाइकिल चले। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में 8 ATP ऊर्जा का निर्माण करता है, 8 ATP एनर्जी फॉर्म करेगा और क्रोसाइकिल की क्रिया में चलाएगा तो 30 ATP एनर्जी का निर्माण करेगा। इस तरह 30 ATP क्रोसाइकिल से मिल जाती है और 8 ATP ग्लाइकोलाइसिस से मिल जाती है। हमारे फ्रेंड्स, तो रंध्रों का डिस्ट्रीब्यूशन आइए देखा जाए थोड़ा सा, कि अगर पत्ती की सतह को देखा जाए, नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पत्ती की सतह को देखा जाए तो यह प्रत्येक सेंटीमीटर स्क्वायर में, प्रत्येक सेंटीमीटर स्क्वायर में इनकी संख्या 1000 से लेकर के 60,000 तक होती है। माने रंध्रों की संख्या किसके, पत्तियों में रंध्रों की संख्या एक सेंटीमीटर में 1000 से लेकर के 60,000 तक होती है। अब आप सोच सकते हैं कि एक पूरी पत्ती जो काफी लंबी है, केले की पत्ती ले लीजिए, अन्य पौधों की पत्तियां ले लीजिए, बरगद की ले लीजिए, आम की ले लीजिए, नीम की ले, सॉरी महुए की ले लीजिए, पीपल की ले लीजिए, जिनके लीफलेट काफी चौड़े होते हो, पाल मध्य तक से जो मिड्रिप होती है, मिड्रिप से एक साइड की दूरी को, जैसे आपने ये पत्ती बनाया, यहां पर देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल सा टॉपिक में बना रहा हूं। इस तरह से आपने देखा, ये देखिए, ये पत्ती बन गई और यहां पर जो पत्तियां बनी हुई है फ्रेंड्स, जो लीफलेट बना है यहां पर, इस तरह से आप देख रहे हो, इस तरह से मुड़ा हुआ होता है,
ये पीपल की पत्ती आप देख रहे हो, पल मध्योतक से एक तरफ की दूरी जो होती है लीफलेट बोली जाती है। क्या बोलती है इसको? लीफलेट बोलते हैं इसको। ये पल मध्योतक है, लीफलेट है, और लीफलेट होने के कारण ये लीफलेट इसमें ज्यादा ब्रॉड है, इधर भी लीफलेट ज्यादा ब्रॉड है। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इनकी संख्या 1000 से लेकर 60000 तक होती है, 1000 से लेकर 60000 तक होती है माय डियर फ्रेंड्स, तो जाहिर सी बात है कि अगर 1000 से 60000 तक होती है इनकी संख्या, तो आप देख सकते हैं कि पूरे पत्तियों में कितनी होगी। जाहिर सी बात है पूरे पत्तियों में इनकी संख्या बहुत ही अधिक होगी। जाहिर सी बात है पूरे पौधों में इनकी जो है रंध्रों की संख्या बहुत ही अधिक होगी। जलोद्भिदी पौधों को अगर छोड़ दिया जाए, जलोद्भिदी पौधों को छोड़ दिया जाए, तो जितने भी एंजियोस्पर्मिक और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है सभी में रंध्र पाए जाते हैं। जलोद्भिदी पौधों में एरल काइमेटस टिश्यू बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, और उसमें एयर फिलअप होती है, उसी एयर की सहायता से वो फ्लोट करते हैं, और उसमें रंध्रों की संख्या बहुत ही कम या ना के बराबर होती है, फिर भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और भोजन का निर्माण उसमें भी हो जाता है। यहां पर आप देखिए सेब और शहतूत के प्रकार, सेब और शहतूत आपने देखा ही है, शहतूत जाना है नहीं जाना है, शहतूत जिसको कहा जाता है मुलबरी, एप्पल एंड मुलबरी, MULBERY, मुलबरी, BUDER Y, मुलबरी। तो मुलबरी में आपने देखा कि रंध्र केवल निचली सतह पर पाया जा रहा है, ऐसे सेब और शहतूत की पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं वह पत्ती की सिर्फ निचली सतह पर पाए जाते हैं, ऊपरी सतह पर बिल्कुल नहीं पाए जाते। अगर ऊपरी सतह पर नहीं पाए जा रहे हैं तो ऐसी पत्ती को कहा जाता है कि ऐसी पत्ती अधोरंध्री है। क्या है? अधोरंध्री। इसका मतलब होता है कि हाइपो स्टोमेटिक, स्टोमाटा हाइपो है, इनसाइड है, नीचे की तरफ है, हाइपो स्टोमेटिक है ये, इनको हम हाइपो स्टोमेटिक की संख्या देते हैं। आलू देख लीजिए, आलू, आलू पत्ती जो होती है, रंध्र जो होते हैं पत्तियों के दोनों सतहों पर, ऊपर और नीचे दोनों सतहों पर पाए जाते हैं आलू में। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा आलू की सिंचाई जो होती है वो सिंचाई, अब आलू की पत्ती को देखिए मैं बना करके बता रहा हूं आपको, अगर आलू की पत्ती को बनाया जाए तो आलू की पत्ती आप लोग देखेंगे इस प्रकार की बनती है। ये देखिए आलू की पत्ती इस प्रकार से बन जाती है, इसके ऊपर भी सतह पर स्टोमाटा पाए जाते हैं, इसके निचली सतह पर भी स्टोमाटा पाए जाते हैं, अर्थात निचली सतह पर लोअर सरफेस पर भी इसमें स्टोमाटा पाए जाते हैं और अपर सरफेस पर भी स्टोमाटा पाए जाते हैं, अपर सरफेस पर भी स्टोमाटा पाए जा रहे हैं, लोअर सरफेस पर भी इसमें स्टोमाटा पाए जा रहे हैं। तो स्टोमाटा इसमें दोनों सरफेस पर पाए, आलू की पत्ती में स्टोमाटा दोनों सरफेस पर पाए जाते हैं। लेकिन रंध्रों की संख्या ऊपरी सतह की तुलना में निचली सतह पर ज्यादा होती है। आलू, टमाटर, बैगन, बैगन ब्रिंजल भाटा जिसको बोलते हैं, बैगन या जितने भी सोलेनेसी फैमिली के हैं, इन सभी के केस में देखा जाए, ऑल कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स ऑफ सोलेनेसी, इन सभी के केस में देखा जाए तो ये रंध्र जो होते हैं निचली सतह पर ज्यादा और ऊपरी सतह पर कम पाए जाते हैं, और रंध्रों का पाया जाना इनको चूंकि ऊपरी और निचली दोनों सतहों पर पाए जा रहे हैं इसलिए इनको उभय रंध्री कहा जाता है, उभय रंध्री। एम्फी स्टोमैटिक कहा जाता है, एम्फी स्टोमैटिक, एम्फी स्टोमैटिक का मतलब होता है उभय रंध्री, जो ऊपर भी पाया जाए और जो नीचे भी पाया जाए, ये उभय रंध्री होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इस तरह से आपने देखा रंध्रों के प्रकार मैंने बता दिए, अब रंध्रों के जई प्रकार देखिए, जई प्रकार और टाइप दोनों सतहों पर रंध्रों की संख्या लगभग एक जैसी होती है, जैसे जई गेहूं चावल, जई गेहूं चावल और घास इत्यादि देख रहे हैं, ये उभय रंध्री है, एम्फी है, एम्फी स्टोमैटिक है,
लेकिन इनमें रंध्रों की संख्या ऊपर और नीचे दोनों बराबर पाई जाती है, पत्ती के ऊपर और पत्ती के नीचे दोनों में बराबर पाई जाए। नोट करते चलिएगा, पत्ती के ऊपर और पत्ती के नीचे रंध्रों की संख्या दोनों बराबर पाई जाए। डॉक्टर अशोक कुमार बेंद्रे ने अपनी बुक में लिखा, जो सिर्फ यह बुक सिर्फ और सिर्फ आपको भी अचीव में पढ़ाई जाएगी। और सेकंड अगर कोई पढ़ा रहा है तो मैं अलीमुद्दीन से कौदरी, इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग इसको रिवाइज कर चलिए, नोट इसका बनाते चलिए, नहीं तो फिर दोबारा ये टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। बोलने वाले बहुत सारी स्टाइल बनाकर बोलते हैं, पढ़ाते हैं, दिखाते हैं, बताते, लेकिन ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आपको नॉलेज दे सकता हूं, आप जितना डीप नॉलेज लेना चाहे उतना डीप नॉलेज मैं आपको दूंगा अपने ही सलीमुद्दीन से कादरी को जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आइए देखते हैं, जल लिली प्रकार बोला जाता है, जल लिली प्रकार माने वाटर लिली टाइप। तो इसमें केवल रंध्र ऊपर की सतह पर पाए जाते, जिस सतह पर रंध्र पाए ही नहीं जाते। लिली टाइप में रंध्र जो है सिर्फ पौधे की ऊपरी सतह, पत्तियों की ऊपरी सतह पर रंध्र पाए जाते हैं, निचली सतह पर रंध्र बिल्कुल ही नहीं पाए जाते। तो इसको बोला जाता है, इसको अधिरंध्री बोलते हैं, इसको अधिरंध्री या इपिस्टोमैटिक बोला जाता है, इपी ईपीआई इपिस्टोमैटिक बोला जाता है। एट लास्ट आइए देखते हैं पोमैटोजिटोन, पोमैटोजिटोन टाइप, पोमैटोजिटोन टाइप कहा जाता है ऐसे पौधे जिसमें रंध्रों का अभाव होता हो। मैंने ये नहीं कहा कि रंध्र बिल्कुल ही नहीं पाए जाते हैं, अभाव होता हो, कमी होती हो, निम्नता होती हो, ऐसे पौधे एक कार्यहीन होते हैं। जैसे पोमैटोजिन, पोमैटोजिन का पौधा एक कार्यहीन होता है, ऐसे पौधे बिल्कुल बेकार के होते हैं, ना उससे कोई टिम्बर मिलती है, ना उससे कोई उड़ी उड़ी न होते हैं, हर्बेसियस टाइप में प्लांट्स हैं और लकड़ियां इनकी पूरी तरह से सड़गल जाती हैं, लकड़ियां इनकी पूरी तरह से सड़गल जाती हैं। और आइए देखते हैं, अब आइए यहां पर बात करने का फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं कि सायरे ने 1926, सायरे वैज्ञानिक, सायरे सायरे वैज्ञानिक 1926 में इन्होंने जो है रंध्र के खुलने बंद होने की प्रक्रिया को बताया। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है इसको वॉन मोल ने 1826 में बताया, और क्या बताया इन लोगों ने आइए देखते हैं एक एक करके, और ध्यान दे दीजिएगा। विन और टुंग इन्होंने 1948, विन और टुंग 1948 में रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया तथा जल के पीएच का मान बताया। किसमें पीएच का मान 5 होता है, माने 7 तो न्यूट्रल कंडीशन में है, पीएच एसिडिक कंडीशन, 5 एसिडिक कंडीशन में आ जाएगा, 7 के अबव जाएगा तो बेसिक नेचर में चला जाएगा। और स्टीवर्ट, लास्ट साइंटिस्ट स्टीवर्ट 1964, इन्होंने बताया कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल कैसे किस तरह से डिकम्पोज होता है, वो क्रिया मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस और क्रिप्साइकिल के केस में बता दिया है। तो रंध्र खुलते और बंद कैसे होते हैं, आइए इसको 24 आवर्स में देख लिया जाए। अगर हम इसको 24 आवर्स में देखते हैं रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया को, तो माय डियर फ्रेंड्स इसको हम सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। आइए एक साइकिल, सिंपल सी साइकिल बनाते हैं, बहुत ही सिंपल साइकिल इस तरह से बनाते हैं। देखिएगा ये इस तरह से हो गया, दूसरा इस तरह से हो गया, ना एक चक्र बन गया और ये बीच का भाग हो गया, क्लियर हो गया, एक भाग ऊपर हो गया, दूसरा भाग नीचे हो गया। अब यहां से लेकर के आप डिवाइड करते जाइएगा, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है, ऐसे आपने डिवाइड कर दिया। इधर से आइएगा, डिवाइड करिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अभी आपने डिवाइड कर दिया। तो यहां पर ये लाइट है, क्या है? लाइट है, सूर्य का प्रकाश है, यहां पर ये डार्क है, अंधकार है। तो आप बताइए कि प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में ज्यादा होगा या अंधकार की उपस्थिति में ज्यादा होगा? डार्क को मैं डार्क कर दे रहा हूं, डार्क को यहां पर मैंने डार्क कर दिया, देखते जाइएगा, इसको मैंने डार्क कर दिया है, अब ये डार्क हो गया, ये मैंने डार्क कर दिया इस तरह से। आप बताइएगा कि लाइट की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा या डार्क में?
प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है या अंधकार की उपस्थिति में? जाहिर सी बात है प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा। जब प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है तो इसका मतलब अपर रीजन जो सेक्शन ए है, जिसको हमने सेक्शन ए नाम दिया, सेक्शन ए में आपने देखा कि ये सेक्शन टू है, सेक्शन ए में आपने देखा कि प्रकाश संश्लेषण होता है और ज्यादा मात्रा में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है और ज्यादा मात्रा में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। लेकिन डार्क में आपने देखा कि डार्क में जहां पर एब्सेंस ऑफ लाइट है, इसको मैंने कहा ये डार्क है, जहां पर एब्सेंस ऑफ लाइट है, प्रकाश की अनुपस्थिति है, तो एब्सेंस ऑफ लाइट में माय डियर फ्रेंड्स यहां पर प्रकाश जो होता है बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। जब प्रकाश कम मात्रा में मिलता है तो आप ये सोचेंगे कि प्रकाश नहीं मिल रहा है तो पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। नहीं, प्रकाश संश्लेषण पौधे प्रकाश की उपस्थिति में भी करते हैं, अनुपस्थिति में भी करते हैं। उपस्थिति में ज्यादा करते हैं, अनुपस्थिति में कम करते हैं। यदि 8-10 दिन तक सूर्य न दिखाई दे क्या सारे पौधे मर जाते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए, यदि 8-10 दिन तक सारे प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश न दिखाई दे क्या सारे पौधे मर जाते हैं? बिल्कुल नहीं, पौधे जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें डार्क रिएक्शन चलता है और ये लाइट रिएक्शन चलता है। अब डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन हैच और स्लैग ने किस तरह से समझाया है यह मैं आपको अपने अगले लेक्चर में समझाऊंगा और बताऊंगा। तो यहां पर आपने देखा कि पौधे की स्थिति जो है किस तरह से चल रही है। इस प्रकार मैं अलीमुद्दीन से कादरी अपने YouTube चैनल जो है अलीमुद्दीन से कादरी के माध्यम से और कोचिंग चैनल कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आज मैंने लाइट और डार्क के विषय में आपको बताया, रिएक्शनों के विषय में आपको बताया। दूसरा टॉपिक मैंने ये क्लियर किया कि पौधे कहां कहां पर रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र किस तरह से खुलते हैं और किस तरह से बंद होते हैं। रंध्रों के खुलने का क्रम यह होता है जब उसमें से जल की अतिरिक्त मात्रा को बाहर निकाल लिया जाए। रंध्रों के बंद होने का मतलब होता है जब उसमें जल की अतिरिक्त मात्रा पूरी तरह से भर जाए। तो जल होता है जो जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ले लेते हैं और पौधे जो है वायुमंडल से ले लेते हैं, और क्लोरोप्लास्ट जो है पौधों की पत्तियों में आसानी पूर्वक मिल जाएगा, तनों में आसानी पूर्वक मिल जाएगा, पौधे के हर उस भाग में आसानी पूर्वक मिल जाएगा जो कि हरे होंगे। तो इस तरह से वे भोजन का निर्माण आसानी पूर्वक कर लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज का टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरा अगला टॉपिक जो है स्लग साइकिल केल्विन साइकिल को डिपेंड करेगा, मैं अपने नेक्स्ट जो है चैनल पर नेक्स्ट टॉपिक पर जो है अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अलीमुद्दीन से कादरी चैनल पर मैं अपलोड करूंगा, दिखाऊंगा आपको। आज का जो टॉपिक मैंने बताया है, पढ़ाया है, समझाया है, इसका आप पूरी तरह से नोट बना लेंगे। नोट बना लेने के बाद तब फिर हमारा अगला टॉपिक सुनेंगे। तो इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन से कादरी आज आपसे विदा लेता हूँ और कल मैं फिर आपको अपना अगला टॉपिक बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।